हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलम की जय राशि। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, मतलब हैप्पी दिवाली। कहते हैं ना, जैसे दीपों की रोशनी से अंधेरों में उजाला हो जाता है, वैसे आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारा उजाला हो। मेरे दुश्मनों को भी हैप्पी दिवाली, मेरे दोस्तों को भी हैप्पी दिवाली। और आज का दिन बहुत अच्छा है, आज शक्तियाँ दर्शन देने वाली है रात को 2 से 4 के बीच में। कल आपने देखा मेरे गुरु का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कामाख्या में आज जोरों शोरों से पूजा चालू है, कामाख्या में चालू है, हर जगह पे पूजा चालू है। कोलकाता में चालू है, माँ तारा मंदिर के शमशान पूजा चालू है, कहते धावजी पाटिल में पूजा चालू है, मांडरगढ़ की काड़ूबाई के यहाँ पूजा चालू है, माहूरगढ़ में पूजा चालू है, सब जगह सबके लिए पूजा चालू है। आज बहुत बड़ा दिन है, सबने मुझे बहुत सारे विशेष दिए। मैं ये चाहती हूँ कि बस आप लोग भी तैयारी कीजिए, और अभी भी मौका है, अभी भी मौका है कि आपका आज का दिन मिस मत करो। आज की रात को जो पूजा होगी ना, वो बहुत बड़ी होगी। तो अभी भी आज का दिन है आपके पास, एक आध दो घंटा, जैसी वीडियो अपलोड हो आप लोग तुरंत काम चालू करा सकते हैं। कैसा भी काम चालू कराएंगे ना, 100% आज रात को काम होगा, और परसों 26 तारीख तक रिजल्ट आ ही जाएगा। क्योंकि ये मौका मुझे मिस नहीं करना है, क्योंकि आज शक्तियाँ साक्षात दर्शन देने वाली हैं ऐसे। और मैं YouTube के ज़रिए ही बोलूँगी लड्डू की मम्मी को, भाई हैप्पी दिवाली। और मैडम माया को भी बोलूँगी हैप्पी दिवाली। आज तो तुम्हारे लिए तो बड़ा ही हैप्पी दिवाली है, तो जाने दो, आज के दिन बुरा नहीं, आज के दिन सबके लिए अच्छा। दूसरी बात, कारस्थानी तो कुछ लोगों ने कर दी। आज ये मुंडमाला दूसरी पहनी मैंने, मेरी मुंडमाला सुबह सुबह ही टूट गई। कितनी बार बोलूँ मैं, मेरे तक आने की कोशिश मत करो, मेरा कुछ ही नहीं बिगड़ेगा, मेरी मुंडमाला टूटेगी। लेकिन वहाँ पे तुम्हारे से बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं आज तुम सबकी बैंड बजाने के लिए, समझ रहे हो। कल सुना नहीं मेरे गुरु ने क्या कहा, आप लोग ने सबने सुना ना, तो क्यों पंगा ले रहे हो। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरे दुश्मनों का है। आज मेरे सारे ग्रुप वालों के लिए अच्छा होगा, सारा काम होगा। आज मेरा योग भी रात के बाद ठीक होने में 72 घंटे में ठीक हो। आज भी बोलूँ, कैसी भी बीमारी हो, जैसे जिस तरह से योग की हालत है, जैसे अनम्यूचुअल बच्चे हैं, या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज आज तक डॉक्टर के पास नहीं है, वो इलाज शक्तियों के पास है। एक बार ट्राई करके देखो, 101% काम होगा। कैसा भी वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, सब काम आज होगा। आज एक ऐसी शक्ति मिलेगी, कादिर पारस जिन लो, कादिर पारस जिन लेने पे वो आपको, जिसको जैसे किसी को सट्टे लॉटरी का शौक है, वो कादिर पारस जिन लेने से उसको शक्तियों का नंबर मिलेगा। 72 घंटे में एक्टिव होके वो आपको बकायदा आके सामने से नंबर बता के जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, करिश्मा परी और सुल्तान जिन लेने से तो आपको पता ही क्या होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा है। और आज के दिन भी मैं यही बोलूँगी, दिवाली के दिन जो भी जैसी भी शक्ति लेगा, उसको जैसे सबको फ़ायदा मिला है, वैसे सबको शक्तियों के पीछे अच्छा खासा फ़ायदा है। मैंने कहा है, कोई भी शक्ति लेंगे 10-12 लाख का फ़ायदा होगा ही होगा। लेकिन बहुत अच्छी हैप्पी दिवाली आप सभी को, बहुत सारी दिवाली विश। और बस आज रात का वेट है, सारी तैयारी हो चुकी है मेरी बहुत धूमधाम से। अब फिलहाल मैं दिन भर जरा अपने बच्चों के साथ धूमधाम से दिवाली मनाऊँगी, अपने प्रभु के साथ, मेरे लड्डू के साथ, ऐसे सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे दिन भर। और रात को हम बजाएंगे सबका बैंड, बस और कुछ नहीं। जलने वालों के लिए है कि लाख कोशिश कर लो, तूफान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दिवाली मेरे ग्रुप वालों की भी अच्छी है, सबकी अच्छी है, सबका बहुत अच्छा काम किया है। मेरे ग्रुप वालों में भी कितनों को मैसेज करूँगी जो मेरा वीडियो देखते हैं, शक्तियों के दर्शन करने हैं, तो शक्तियों का बाल भोग का पैसा भेजो, तब जाके शक्तियों के दर्शन होंगे। नहीं, और जो लोगों ने शक्तियाँ लेके उनका इग्नोर किया है, उनको अनादर किया है, उनके साथ भी गलत होगा, उसकी दोषी मैं नहीं रहूँगी। क्योंकि शक्तियाँ जब साक्षात इंसानी रूप में एक्टिव होती है, तो वो अपने को हर एक को बराबर सजा देती है, ऐसी बात है। तो बस वेट एंड वॉच, ये बात ज़रूर है, आज जिसका मारण क्रिया का काम लिया है, आज का दिन वो अपने परिवार के साथ दिवाली मना ले, कल नया साल का दिवाली मना ले, है ना। और 26 तारीख, आज से 3 दिन की ज़िंदगी है उसकी, 27 तारीख की सुबह वो नहीं देखेगा, ये विद्या देवी का विश्वास है, चाहे कोई भी हो, ऐसी बात है। देख लो, खुला चैलेंज, नाम नहीं लूँगी मैं किसी का, क्योंकि आज मुझे पता है जो जिसकी मौत है उसकी मौत कैसी भी हो सकती, मैं क्या करूँ। एक्सीडेंट हो सकता है, सांप काट सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब किससे कैसे हुआ मुझे क्या पता, क्योंकि आज हम नाम नहीं लेंगे, आज हम सिर्फ काम करेंगे। मज़ा देखो हम तुम्हारी बैंड कैसे बजाएंगे, दिवाली के बॉम्ब तुम्हारे घर में फूटने वाले। मुझे पता है मुझे बहुत जन गाली दे रहे हैं, कितनों के घर में तो आज किसी ने दिया भी नहीं खरीदा, पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब मज़ा देखो, हमारी दिवाली का तो हो गया, अभी आप देखो आप लोगों का क्या होता है। बस बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी। और आज अभी भी कह रही हूँ, जिसको अपने दुश्मन की बैंड बजानी है या कुछ काम है, अभी शक्तियाँ लो, ऐसी बात है। और कुछ लोग मेरे दिमाग में हैं, उनकी बैंड भी बहुत अच्छी तरह बजने वाली है।
गलत का साथ दोगे ना, गलत तुम्हारे साथ हो के ही रहेगा। मेरी चीज़ों पे नज़र डालोगे ना तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगी कि तुमको कोई तुम किसी को देखने लायक नहीं रहोगे। आज एक और की बैंड बजाने वाले हैं देखो क्या होता है। हो सकता है खाना बनाते बनाते तेल भी उड़ सकता है चेहरे पे, ये भी हो सकता है पटाखा फोड़ते फोड़ते कुछ भी होएगा। मज़ा देखो क्या होगा, होगा बहुत बड़ा धमाका। जय माता दी।